राजस्थान से आपको बता दें, यह जो मामला है ये गरमाया हुआ है और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीला जी जुड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल जी, राजस्थान पिछले कुछ दिनों में लगातार सुलगता जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं खासतौर पर रामनवमी के बाद सामने आ रही हैं, जो दो समुदायों के बीच तनाव को दर्शाती हैं, बताती हैं, इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन जो ये नई घटना हुई है जहां पर इस शख्स की हत्या हुई है, इस मामले को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखो, सियासत गहलोत साहब कर रहे हैं, उन पर शासन प्रशासन समन मिला, पुलिस नियंत्रण से बाहर हो गई है और अल्पसंख्यक समाज का राजस्थान में अपराधियों का, विशेषकर पीएफआई का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पीएफआई टारगेट होकर इन अल्पसंख्यक लोगों को भड़का रही है और यह हिंसा फैला रही है। एक तरफ गहलोत साहब कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दे देते हैं और रामनवमी के उत्सव पर बहुसंख्यक हिंदू समाज को परमिशन नहीं दी जाती। अब यह पांचवी घटना है जो अल्पसंख्यक समाज के समाज कंटकों के द्वारा ये पांचवी हमला करके एक हिंदू की हत्या कर डाली, घर पर बुला के उसकी घटना स्थल पर ही चाकू से गोद दिया और मौत हो गई। गहलोत साहब के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, वो ऐसे मामलों को लेकर राजनीति करते हैं और संघ और भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करते हैं कि ये देश में तनाव फैला रहे, राजस्थान की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि जोधपुर में दोष किसका था, केसरिया झंडा किसने हटाया और दूसरे दिन भी उपद्रव पूरे शहर में किसने किया, भीलवाड़ा में किसने किया, गहलोत साहब आपकी जानकारी में, करौली में किसने किया, चाहो अभी भरतपुर में हाल किरोड़ी लाल मीला जी, जरा एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं हिंसा का पर्याय बन गया है अल्पसंख्यक समाज। अब आप अल्पसंख्यक समाज कह रहे हैं हिंसा का पर्याय बन गया है, तो उनकी आबादी सर 5-10% के आसपास आबादी है। राजस्थान की सरकार जो है वो कह रही है कि आप छोटे छोटे मामलों को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है लिहाजा हर एक मामले को आप बड़ा कर देते हैं, कहीं आप लोग प्रोवोक करते हैं और कहीं दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई को आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाकर पेश करें, जैसे ये वाला मामला है, इसमें ऐसे आरोप राजस्थान सरकार आप लोगों पर लगा रही है? नहीं, देखो ऐसा है, जो जोधपुर में हुआ या भीलवाड़ा का ही मान लें, तो समाज कंटकों ने उस रिंकू नाम के बच्चे को घर पर बुला के गोदा है, तो स्वाभाविक है जो निर्दोष आदमी पर हमला किया है अल्पसंख्यक के लोगों द्वारा, तो भावना तो भड़केगी और भावना भड़केगी, लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, बाजार भी बंद होगा, लेकिन वहां कोई हिंसा बहुसंख्यक समाज नहीं कर रहा। मुझे एक रिपोर्ट दिखाने, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, अपराधियों को गिरफ्तार को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये मामला जो है ये आपसदारी का मामला था, बाद में से रंग दे दिया गया। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है इस मामले को लेकर ही, एक बार वो रिपोर्ट दिखाते समझते हैं, उसके बाद किरोड़ी लाल मीला जी समझेंगे कि ये पूरा मामला जो है ये क्यों इतना हो रहा है, क्या राजस्थान में चुनाव है इसलिए बढ़ते जा रहे तनाव है। ये रिपोर्ट देखिए, तुरंत लौटते हैं। भीलवाड़ा में मंगलवार को एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वीएचपी बजरंग दल, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर रैली निकाल रहे हैं। कई दुकानों को बंद करवाया गया है और इन लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उस मामले में उन सबकी धरपकड़ होनी चाहिए। इनकी मांग है कि जो परिवार है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान में जो करौली में हुआ, उसके बाद जिस तरह से जोधपुर में दंगे भड़के, उसके बाद भीलवाड़ा का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरह से संख्या में समय यहाँ पर लोग जो है वो निकले हुए हैं। इनके पीछे पुलिस का भारी जाब्ता है और ये जो सारे लोग हैं, इनकी मांग है कि न्याय होना चाहिए। जो लड़का है, जो जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो जो लड़का है उसकी जो हत्या हुई, उसके बाद इनकी मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक जो लड़का है उसका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, भीलवाड़ा आज तक। तो भीलवाड़ा से रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद लगातार बने हुए हैं। सर, एक आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि राजस्थान में इस्लामिक जिहाद बढ़ता जा रहा है। अब इस्लामिक जिहाद शब्द काफी बड़ा शब्द है, इसको लेकर क्या आधार है, क्योंकि तेलंगाना से विधायक है जिन्होंने आरोप लगाया है और जो बातें आप कह रहे हैं वो भी कमोबेश वैसी ही है कि पांच घटनाएं हो गई, एक तरह का प्रयोग चल रहा है राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार करवा रही है, तो क्यों लगता है आपको कि ऐसा कोई प्रयोग चल रहा है और क्या मकसद इसका हो सकता है? ये बात देखो, ऐसा है, पीएफआई
एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट का संगठन है जो ये मुस्लिम युवाओं को भड़काता है, उनको राष्ट्र विरोधी ज्ञान देता है, समाज कंटक उनका मोहरा बने हुए हैं। पीएफआई के कारण ही करौली में दंगा हुआ, पीएफआई के कारण ही अपना भरतपुर में हुआ, पीएफआई के कारण पीएफआई का हाथ जोधपुर में भी निकलेगा। और मेरे को ऐसा लगता है पीएफआई चारों तरफ से राजस्थान के लोग जो आए अपराधी हैं उन्होंने ऐसा शिकंजा कस लिया। सरकार का एक तरफ से कहना चाहिए अपरोक्ष सरकार का हाथ है इनको समर्थन देने में। आपकी जानकारी में आया होगा कि कोटा में पीएफआई ने बहुत बड़ी रैली की थी जिसकी परमिशन सरकार ने दी है, तो गहलोत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा संगठन जो हिंसा फैला रहा है, विघटित कर रहा है समाज को, देश में नफरत का भाव पैदा कर रहा है, आपको उसको रैली की परमिशन दे बढ़ावा दे रही है अशोक गहलोत सरकार। क्या आप ये कह रहे हैं इतनी परमिशन मांगी गई, किसी की परमिशन नहीं है। नहीं, किरोड़ी लाल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा, और क्या कहा जाए। आप ये बताओ जो घटना करौली की होती है उसके तीन दिन पहले पीएफआई के लोग डीजी और सीएस को और मुख्यमंत्री को पत्र लिख देते हैं, उनको कहां से पता लगा वहां पर हिंसा फैलेगी। तो पीएफआई का हाथ है, समाज कंटकों का हाथ है और अल्पसंख्यकों का राजस्थान में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसको ठीक करने की जरूरत है, चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव तो बहुत दूर है, यहाँ कहां संघ और बीजेपी आ गया, कहीं संघ बीजेपी नहीं है। गहलोत साहब की ढिलाई, गहलोत साहब का तुष्टिकरण आड़े आ रहा है और राजस्थान में वातावरण तनावपूर्ण और हिंसक बनता जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो कह रहे हैं कि राजस्थान में तनाव बढ़ता जा रहा है, अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है, इस्लामिक जिहाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो राजस्थान का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये तमाम आरोप बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए हैं यहां पर। लेकिन हमारे सहयोगी ने बातचीत की है उन तमाम लोगों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। आपने सुना भी राज्यसभा सांसद को, 5 मामले हो चुके हैं हिंदू मुसलमान के। जरा ये देखिए उनसे बातचीत, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या सोच उनकी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में इस समय भारी आक्रोश है। जिस तरह से 20 साल के आदर्श तापड़िया की हत्या हुई उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है कि न्याय होना चाहिए। क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से आप बता रहे थे कि मौत हुई और आप कह रहे थे कि फांसी की सजा हुई। एक छोटा सा विषय था और उसको इतना बड़े तरीके से किसी एक नौजवान लड़के की, 19 साल के बच्चे की हत्या हो जाना कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। राजस्थान भीलवाड़ा में प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है और पुलिस प्रशासन का डर भी समाप्त हो चुका है, और आने वाले समय में और ये जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है, इतनी घटनाएं इस भीलवाड़ा के अंदर घटित हो रही है कि पुलिस उसको रोक ही नहीं पा रही। आदर्श का जो पार्थिव शरीर है वो बताया जा रहा था कि अभी भी मोर्चरी में पड़ा हुआ है, आप लोग क्यों उसको जो क्रियाक्रम है वो नहीं होने दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने शाम को प्रशासन से कुछ मांगे रखी है कि जो नौजवान बच्चा गया है उसके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद मिलनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें तुरंत प्रभाव से चाहे कुछ भी करना पड़े गिरफ्तार करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार पोक्सो के अंदर जल्दी से जल्दी चालान पेश होता है, उसी प्रकार इस हत्या के मामले में 15 दिन में पुलिस चालान पेश करे और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए। आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।